वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर, देखिए ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि मेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है। पहला दिया स्क्रोटम, सेकेंड दिया पेनिस, थर्ड दिया टेस्टिस एंड फोर्थ प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है। हमने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिफरेंस क्या है। जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा किसमें, गैमेटोजेनेसिस में, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो बाहर से सपोर्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हमने वहाँ पर बोला था आपसे कि जो टेस्टिस है वो हमारा क्या है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी जो एपिडिडाइमिस, रेटिस, टेस्टिस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है, एसेसरी ग्लैंड एंड एसेसरी डक्ट है। तो ऑप्शन देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी टेस्टिस। हमने अभी बोला क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज, आपको इसमें बताना है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें से कौन है। पहला दिया टेस्टिस, सेकेंड दिया ओवरी, थर्ड दिया बियर्ड एंड लास्ट दिया वाश डिफरेंशिया। अब देखिए ओवरी क्या है कि फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओके। एंड बियर्ड क्या है, ये कोई भी सेक्स ऑर्गन या ग्लैंड नहीं है। वाश डिफरेंस ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स, या इसको हम बोल सकते हैं एसेसरी डक्ट। टेस्टिस आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसमें, मेल के अंदर। तो सेकेंडरी के बारे में बात कर रहा है, ओवरी होगा नहीं, बियर्ड होगा नहीं, टेस्टिस क्या है, प्राइमरी। ऑप्शन कौन जाएगा, डी ऑप्शन, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आपका है ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग अराउंड। हमने आपसे उस पिछले लेक्चर में बोला था कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो किसके चारों तरफ कवरिंग बनाती है, टेस्टिस के। तो वही पूछ रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग अराउंड, किसके अराउंड, टेस्टिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओविडक्ट होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, फीमेल, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसमें पाया जाता है, मेल के अंदर। किडनी से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट, हार्ट भी क्या है, कोई भी सेक्स ऑर्गन या ग्लैंड नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। अब हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये देखो हमने यहाँ पे डायग्राम डाला हुआ है, ये आपका क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि टेस्टिस के पास कौन कौन से सेल होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था दो टाइप के सेल, कौन कौन से, सेमनीफेरस सर्टोली, ठीक है, याद है कुछ पीछे का लेक्चर, कुछ याद है। यहाँ पर देखिए टेस्टिस के बाद हमने इसके बारे में बात किया था, लीडिंग सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये हमने क्या बोला था, दो टाइप के सेल होते हैं, एक क्या करता है, सिंथेटिक एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हमने क्या बोला था, एंड्रोजन। एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये क्या करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको आज पूरा डिटेल में देखना है। पहले हम शुरू से बात करेंगे कवरिंग के बारे में, किसके कवरिंग के बारे में, टेस्टिस के कवरिंग के बारे में, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले एक बार इस डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या पूरा टेस्टिस है, ठीक है। पहले हम इसके अंदर वाले पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में,
फिर इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे देखिए सबसे आउटर कवरिंग, ये वाला जो सबसे आउटर कवरिंग है इसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, याद रहेगा। देखो ये सीरीज पूछता है आउटर से इनर तक कौन कौन सा लेयर होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि थ्री लेयर से बना होता है। तो सबसे आउटर जो कवरिंग है टेस्टिस की, अब कई लोग बोलेंगे कि सर वो तो स्क्रोटम होता है। अबे स्क्रोटम नहीं, वो तो क्या है, वो एक पाउच है, ठीक है, थैला है, जिसके अंदर टेस्टिस है। अब टेस्टिस की हमें बात करनी है ना, तो टेस्टिस में जो सबसे आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके बाद क्या है, ट्यूनिका एल्बेजिनिया। ठीक है, उसके बाद होगा यहाँ पे ये जो लेयर है ये, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, इसमें तीसरा लेयर नहीं दिया है, या हम इसी को बोल सकते हैं टिब्यूली सेमनीफेरी। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा मतलब एक वैस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर कुछ स्टोर होगा। ठीक है, तो ये आपने तीन लेयर देखा। तीन लेयर के बाद हम अब इसके अंदर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ये हमने टेस्टिस बनाया और टेस्टिस का हमने तीन लेयर देखा। ठीक है, तीन लेयर हमने देख लिया। अब इसके अंदर वाला पार्ट, यहाँ का जो पार्ट है उसके बारे में देखना है। तो हम वही डायरेक्ट इनर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये आपका क्या है, इसको आप मान लो क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो हमने स्क्वायर या ये बनाया है ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस के अंदर कितना होगा, 250 से 300, ये हमने बोला था पिछले लेक्चर में। कितना होगा नंबर, कितना होगा इनका, थ्री हंड्रेड। ठीक है, 250 to 300 हर एक टेस्टिस के अंदर इनका क्या होगा, नंबर होगा, किसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल का। अब फिर हमने बोला था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है, उसको हमने क्या बोला था, सेमनीफेरस टिब्यूल, जो इसके अंदर होगा इस तरह से, और वो नंबर में कितना होगा, एक से तीन। कितना होगा, एक से तीन, क्या होगा, सेमनीफेरस टिब्यूल। यानी जो इनर लेयर है किसका, टेस्टिस का, इनर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, सॉरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर आपका पाया जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। ये नंबर में कितना होगा, 250 से 300। अब इसके बाद जो इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस टिब्यूल। और ये सेमनीफेरस टिब्यूल नंबर में कितना होगा, 1 से 3, किसी किसी में एक होगा सिंगल होगा, किसी किसी में दो होगा, किसी किसी में तीन, हमने राउंड फिगर में लिख दिया 1 2 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक टेस्टिस के अंदर नंबर ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल कितना होगा, तो इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो लगभग कितना होगा, 250 से 750 या 900। ठीक है, आपको ये वाला फिगर याद रखना, 750 तक हो सकता है। ठीक है, मिनिमम होगा 250, मैक्सिमम होगा 750। अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल तो हमने बना लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या बना लिया, सेमनीफेरस टिब्यूल। अब हमने देखो, पहले हम इसको यहाँ एक और डायग्राम बनाते हैं। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे बना रहे क्या, सेमनीफेरस टिब्यूल। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं सीधा करके बनाता हूँ। इस तरह से मैं बना ले रहा हूँ सेमनीफेरस टिब्यूल। ठीक है, अब इस सेमनीफेरस टिब्यूल के पास से क्या निकलेगा, एक यहाँ से क्या निकलेगी, एक यहाँ से कलेक्शन सेंटर बनेगा, जहाँ पे स्पर्म यहाँ से बनेगा, यहाँ पे होगा आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जैसे ये स्पर्म फार्म होगा, यहाँ पे जाके स्टोर होगा। ये क्या है, रेटी टेस्टिस। क्या है, रेटी टेस्टिस। अब देखो रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ आपको आसानी होगी समझने के लिए, एक ही बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, हमने सेमनीफेरस टिब्यूल अभी हटा देते हैं, डायरेक्ट इसको बनाते हैं रेटी टेस्टिस। तो ये अपने पास
एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल डक्टेल्स होते हैं। अभी हमने रेटी टेस्टिस बना दिया, अभी इस रेटिस टेस्टिस से क्या निकल के जाएगा, वास इफ्रेंसिया, यहां से ऐसे से निकल के जाएगा क्या, डक्टेल्स बनेगा। हमने वहां पे क्या बोला था अभी जो पीछे लेक्चर में, कि यही रेटी टेस्टिस फ्यूज होकर क्या बनाता है, डक्टेल्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंसिया। तो ये आपका वास इफ्रेंसिया है, वास इफ्रेंसिया, ठीक है। अब ये वास इफ्रेंसिया डायरेक्ट ओपन होता किसके अंदर, एपिडिडाइमिस, जो यहां पे आपका हाईली क्वाइल पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ये तो आपको याद है, ये क्या है, एसेसरी डक्ट है। वास इफ्रेंसिया भी क्या है, एसेसरी डक्ट है। ये क्या है, एसेसरी डक्ट। अब देखो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद अब हमने देखो एपिडिडाइमिस का तीन पार्ट बताया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो तीन पार्ट बताया था, कैपुट, काउडा एंड काउपर, तीन पार्ट बताया था। ये आपका पूरा एपिडिडाइमिस, इसका तीन पार्ट हमने आपको डिस्कस किया था। अब इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बनाना, क्योंकि अपने पास मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको केवल इसमें पाथ याद रखना है, ठीक है। स्पर्म बना सबसे पहले किसके पास गया, क्योंकि ये पाथ ही पूछ लेता है कि पाथवे आप स्पर्म बताइए, स्पर्म कहाँ से बना और कहाँ जाके निकलता है। अब आपने एपिडिडाइमिस तक देख लिया था, ठीक है, एपिडिडाइमिस का तीन पार्ट देख लिया, कैपुट, कार्पस, काउडा, ठीक है, ये आपने तीन चीज़ देख लिया। इसके बाद अब इस एपिडिडाइमिस से आपका एक हाईली क्वाइल पार्ट यहां से निकलता है, ठीक है, और ये कहां जाता है, पहली बात तो इसको हम बोलते क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंसिया, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंसिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वास डिफ्रेंसिया, यहाँ तक हमने अभी तक देखा, ठीक है। पाथवे हमने आपको बताया कि ये चीज़ हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये होता है। अगर आपसे पूछे बताइए टेस्टिस के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, टेस्टिस के बाहर नहीं, टेस्टिस के अंदर, तो कौन कौन सा बताओगे, तीन पार्ट कौन कौन सा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, ये तीनों किसके अंदर होता है, तो आपको बताना है क्या, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या है, टेस्टिस के जस्ट सरफेस पे होता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं यहां पे देखो, अगर उसमें क्लियर ना हो रहा हो तो, इसके अंदर देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है। अब यहां से ये क्या बना, ये जो है ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, रेटी टेस्टिस, क्या है, रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ से ये डक्टेल निकला, इसको हमने क्या बोला, वास इफ्रेंसिया, क्या बोला हमने, वास इफ्रेंसिया। वहाँ पे आपको अगर ध्यान होगा डायग्राम में, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने निकाला था ना इसे डक्टेल्स, जो रेटी टेस्टिस फ्यूज होकर 10 to 20 डक्टेल्स बना रहा था, ठीक है। अब ये डक्टेल्स को हम क्या बोलेंगे, वास इफ्रेंसिया। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये वास इफ्रेंसिया, ठीक है, एक्चुअली ये वास इफ्रेंसिया को अलग से बना दिया। अब यहाँ पे देखो ये पूरा ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ तक ये वाला पार्ट क्या है, एपिडिडाइमिस, क्या है, एपिडिडाइमिस। यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, वास डिफ्रेंसिया। अब यहाँ पे देखो हमने ये वास डिफ्रेंसिया बनाया। अब एक चीज़ और, इस वास डिफरेंसिया के साथ साथ यहाँ पे इंटर करता है बाहर से ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्व फाइबर, समझ में आ रहा है, लिम्फ वेसल्स, ठीक है।
इन सब को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ दोबारा से, तो ये मान लो आपका स्क्रोटम, ठीक है। ये बीच में हम क्या बना रहे हैं, ये अब देखो एक ही साइड का बना रहे हैं, ये आपका सेप्टम है, ठीक है। अब ये जो आपका ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। अब यहीं से आपका ये वास डिफरेंसिया, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल्स सारा एक साथ निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉर्ड बनाता है, जैसे मान लो अपने पास एक लकड़ी का गट्ठा है, उसको हमने बांध दिया, ठीक है। तो कैसा दिखेगा? एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। उस कॉर्ड को यहाँ पे बोला जाता है स्पर्मेटिकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिकल कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिकल कॉर्ड के चारों तरफ इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है। एक यहाँ पर डिजीज भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल हॉर्निया, ठीक है। जब यहाँ से हॉर्निया नीचे उतर आता है इंग्वाइनल कैनाल से, तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल हॉर्निया। तो आपको ये देखना है कि जहाँ से ये तीनों निकल रहे हैं, सारे चीज़ निकल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। और जहाँ पर इनका ग्रुपिंग बना है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिकल कॉर्ड। अब आपको बताना है क्रिप्ट ऑर्गेडिज्म। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि अनडिसेंडिंग टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑर्गेडिज्म। और वो मेल कैसा होता है? इनफर्टाइल। कैसा होता है? इनफर्टाइल। क्योंकि भाई जब टेस्टिस आया नहीं बॉडी से बाहर, एब्डोमेन में ही रह गया, डेवलपमेंट तो हुआ एब्डोमेन के अंदर लेकिन वो अनडिसेंड नहीं हुआ, मतलब नीचे स्क्रोटम में नहीं आया, क्योंकि स्पर्म का कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर पे, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा लो होना चाहिए, तभी क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अनडिसेंडिंग जो टेस्टिस है वो किसके थ्रू नीचे आएगा? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उसको क्या बोला था? क्रिप्ट ऑर्गेडिज्म। और यहाँ पे अगर हार्निया नीचे उतर है, हार्निया आपको पता होगा जस्ट एब्डोमेन के ऊपर ही होता है, यहाँ पे इसका जो कुछ पार्ट यहाँ नीचे आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्निया। क्या बोलते हैं? हार्निया। और जिसके थ्रू आया उसका नाम है इंग्वाइनल। तो टोटल मिलाकर हम इसको क्या बोलेंगे? इंग्वाइनल हार्निया। फिर इसके बाद हम स्पर्मेटिकल कॉर्ड की बात किए। स्पर्मेटिकल कॉर्ड जो कि सारे चीज़ को कलेक्ट करके एग्जिट और इनपुट गेट है, उसको सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिकल कॉर्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये कहाँ जाता है? अब हमने ये वास डिफरेंसिया यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब ये वास डिफरेंसिया जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। मैं अभी एक ही साइड से बना रहा हूँ, आएगा तो इधर से भी, लेकिन इधर से आप समझिए एक ही साइड से, दोनों साइड में होता है सेम, उसी तरह उधर भी होगा। अब ये आपका है क्या? अब एक चीज़ और, ये जो वास डिफरेंसिया है ये डायरेक्ट इसके अंदर इंटर नहीं कर जाएगा, ये इसके बैक साइड से जाता है, ठीक है। ये इसके बैक साइड से जाके और यहाँ पे आके निकलता है। अब ये निकल के किसके अंदर जाके, अब देखो यहाँ पे एक और ग्लैंड होती है, यहाँ पे एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसी में जाके ओपन होता है, इसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल। क्या नाम है? सेमाइनल वेसाइकल। और ये एक साइड में एक ही होता है, ठीक है। इधर भी एक साइड में होगा, ये इधर आके ओपन होगा, ठीक है। अब ये सेमाइनल वेसाइकल में आया, क्या लेके आया? स्पर्म। क्या लेके आया? स्पर्म। अब ये स्पर्म लेके आया तो इस सेमाइनल वेसाइकल का काम है, ये क्या करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा। आपको मैंने पीछे बताया था कि सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है, 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन को बनाता है। और इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फेट, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो ये 60 to 70% क्या करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करेगा। उससे क्या होगा
कि स्पर्म को मोटिलिटी में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये यहाँ आके ओपन हुआ, इसके साथ सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट हुआ। अब सिक्रीट होने के बाद अब देखो यहाँ पे इसके चारों तरफ, एक मिनट, ये इसके चारों तरफ इस तरह से आपका होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि 30-40% ये सिक्रीट करता है क्या, प्लाज्मा, मिल्की व्हाइट कलर का एक थिक प्लाज्मा सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, स्पर्म के एनर्जी को कंट्रोल एक तरह से बोला जाए तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पर्म जो होता है काफ़ी वाइग्रस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ठीक है। तो ये जो थिक सेलर एरिया होता है, इसमें आके स्पर्म क्या होता है, शांत हो जाता है, थोड़ा उसकी मोटिलिटी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अब इसके बाद, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद, ये जो आपका पार्ट है, ये क्या है, यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के इधर यहाँ साइड में दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इतनी तक बात समझ में आई? अब इसके बाद ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, काउपर्स ग्लैंड बोल सकते हैं ना, काउपर्स ग्लैंड बोल सकते हैं। इसके बाद फाइनली आपका यहां पे स्टार्ट होता है, ये मैं यहां पे इरेज कर देता हूं, यहां तक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहां पे मैं बना रहा हूं, ये आपका होता है पेनाइल पार्ट, जहां से यूरिन या सीमेन फाइनली क्या होता है, बाहर निकलता है, एग्जिट। इतनी तक बात समझ में आई? तो अगर आपसे पाथवे पूछे, क्या पूछे, पाथवे, तो पाथवे में आपको सिंपल याद रखना है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था, ये देखो आपको ये याद रखना है। पहला है आपका सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल के बाद क्या था, रेटी टेस्टिस, इसके बाद क्या था, वास इफ्रेंसिया, इसके बाद क्या था, एपिडिडाइमस, इसके बाद क्या था, वास डिफ्रेंसिया, वास डिफ्रेंसिया के बाद क्या था, सेमाइनल प्लाज्मा, या सेमाइनल वेसाइकल बोल सकते हैं, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल ही बोलेंगे। सेमाइनल वेसाइकल के बाद क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या था, यूरिथ्रा, उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उसके बाद क्या था, पिनाइल पार्ट, सबसे आउटर पार्ट, उसके बाद यहाँ से स्पर्म क्या हो जाएगा, एग्जिट, ठीक है। तो ये आपको पाथवे याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि पाथवे बताइए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा अभी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किसका, टेस्टिस का, मेल का, से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का हमने क्या देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ओके, थैंक यू।